बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रहमाउ बैनहुम तराहुम रुकअन सुज्जदन यत्तहुना फज़लम मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरि सुजूद। ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرجته فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं रसूल, और वो लोग जो आपके साथ साथ हैं वो बहुत सख्त हैं काफिरों पर, रहम दिल हैं आपस में। तराहुम रुकअन सुज्जदन, आप उनको देखेंगे रुकू करते हुए सजदा करते हुए। यब तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो तलाश करते हैं अल्लाह ताला के फजल व करम को और उसकी रजामंदी को। सीमा हूँ फी वजूही में नसर सुजूद, उनकी अलामत नशानी उनके चेहरों में सजदों के असर से जाहिर होती है। ज़ालिका मसलूम फी तौराती व मसलूम फी इंजील, ये उनकी मिसाल है तौरात में और उनकी मिसाल है इंजील में। कज़रीन अखरज शतहु, एक खेती की तरह कि जिसने अपनी कोंपल निकाली, फ़ाज़रहु बस उसको मजबूत किया कवी किया, फ़स्तग़लज़ा बस वो मोटी हो गई, फ़स्तवा अला सूक़िही बस वो खड़ी हो गई अपने तने पर, योजिबु ज़ुर्रा वो ताज्जुब में डालती है भरी मालूम होती है किसानों को, लियगीज़ा बिहुमुल कुफ़ार ताके गुस्सा दिलाए जलाए उनके ज़रिए मुसलमानों के ज़रिए काफिरों को। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू वस्सालिहाती, अल्लाह ने वादा किया है उन लोगों से जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे अमल किए, बख्शिश का और बहुत बड़े अजर व सवाब का। रफ़क़ाए मोहतरम, अल्लाह ताला का बड़ा फजल व करम है कि अल्लाह ताला ने आज मुझको आप अज़ीज़ों रफ़क़ा के दरमियान आने का और दर्स क़ुरान देने का शरफ़ अता फरमाया। आप देख रहे हैं कि कई जुमा से मैं इरादा कर रहा हूँ दर्स क़ुरान देने का, मगर हर जुमा को जो है कोई ना कोई ऐसी शिकायत पैदा हो जाती है कि मैं इरादा करने के बावजूद जो है आ नहीं सका, और कभी आया भी तो दर्ज भी नहीं दे सका। लेकिन इस मरतबे मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि मेरे कई जुमा से मेरे रफ़क़ा मेरे साथ ही दर्द सुनना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है, लिहाजा इस जुमा को मुझे मौका मिल जाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद थी, पूरा यकीन था कि आज मैं दर्द दे सकूंगा, इसलिए मैं उमराबाद से मैंने खालिद को फ़ोन किया कि अमीर हमजा भी कुछ सुना दो। अल्लाह पर भरोसा करके मैंने फ़ोन किया कि इस जुमा को इंशाअल्लाह मेरा ही दर्स होगा। चुनाचे अल्लाह का फजल व करम है कि जो है आज अल्लाह ने मुझे ये सआदत अता फरमाई दर्स क़ुरान देने की। वैसे भी हर आदमी को आप जानते हैं दुनिया में
दोनों तरह के हालात पेश आते हैं, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी बीमारी आती है और कभी सेहत और तंदुरुस्ती मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी अच्छी बात बताई है, फरमाई है, हदीस में आता है और वो हदीस से बड़ी जो है तसल्ली मिलती है, बहुत खुशी होती है। वो हदीस ये है, फरमाते हैं नबी सल्लम कि मोमिन का अजीब व गरीब हाल है, मोमिन का अजीब व गरीब हाल है, उसका हर हाल, उसका हर मामला भलाई का है, नेकी का है, खुशी का है, हर हाल भलाई का है, खुशी का है, चाहे वो मुसीबत आए चाहे राहत मिले, दोनों हालतें उसके अच्छे। ये फरमाते हैं रसूल अल्लाह, मुसीबत आई तो भी अच्छी है जो है, जो बड़ी तसल्ली की बात ही है। इस हदीस से जो है कोई भी तकलीफ़ आए परेशानी नहीं होती, तकलीफ़ नहीं होती, कहते नहीं मुसीबत आए तो ही भलाई है, उसमें ही भलाई है, और खुशी आए राहत आए तो उसमें ही भलाई है, वजह ही बताते हैं मुसलमान। इसलिए खुशकिस्मती है मोमिन की हर हालत में कि अगर उसे जो है खुशी आती है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, खुशी पर, मसरत पर, सेहत और तंदुरुस्ती पर, जो है खुशहाली पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है और अल्लाह ताला शुक्र का बदला देता है। और उसे कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तकलीफ आती है तो सब्र करता है, अल्लाह ताला की शिकायत नहीं करता, बेसब्र नहीं होता, बेकरार नहीं होता, तो सब्र करता है और सब्र का भी अल्लाह ताला अजर इनात फरमाता है। तो कहते हैं कि हर हालत में मोमिन जो है खुशी खुशी है, तसली तसली है, परेशानी की कोई बात नहीं। यही मामला मेरा होता रहा कई जुमा से, तो आज अल्लाह का फजल हो गया। तो इस वक्त मैंने आपके सामने सूरह फतह का आखिरी रुकू मैंने तिलावत किया है। अभी बात यह है भाई कि जो है रबीउल का महीना आता है तो आम तौर पर मुसलमान जो है रसूल सल्लम को याद करने लगते हैं, हमेशा याद करते हैं लेकिन रबीउल अव्वल में ज़्यादा याद करते हैं, और ये समझते हैं कि रबीउल अव्वल ही महीना रसूल सल्लम का महीना है, जैसे करते हैं करना चाहिए, कोई बात नहीं है। एक बात जो गलत उसमें होती है वो मीलाद की बात, मीलाद के सिलसिले में जो गलत बातें होती हैं, जो गंदी बातें होती हैं, वो सब जानते हैं आप उसको, उसके अलावा सीरत के नाम से जलसे जो होते हैं तो अच्छे ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये है कि हर वक्त, हर महीना, हर दिन, हर लहजा जैसे हम अल्लाह को याद करते हैं उसी तरीक़े से रसूल सल्लम को भी याद करते रहना चाहिए हमको, और उनकी सीरत बयान करते रहना चाहिए। ये रबीउल आखिर का महीना है, रबीउल अव्वल ख़त्म हो गया, इसके बावजूद आज मैंने तय किया कि जो है रसूल सल्लम की सीरत ही के ताल्लुक से, आम सल्लम के बारे ही में कुछ बातें मैं आपके सामने बयान करूँ, मत रखूँ। ये बात आप जानते हैं कि जो है अल्लाह ताला ने जो है इंसानों को पैदा किया, आदम अलैहि सलाम को भेजा दुनिया में खलीफा बनाकर, तो अल्लाह ने उसी वक्त से अम्बिया किराम का सिलसिला शुरू कर दिया, पैगंबरों का सिलसिला शुरू कर दिया अल्लाह ताला ने। आदम अलैहि सलाम मैं बता चुका हूँ, पहले इंसान, पहले खलीफा, पहले नबी आदम अलैहि सलाम, तो उनसे शुरू हुआ सिलसिला आदम अलैहि सलाम से चलता रहा पैगंबरों का सिलसिला, इब्राहिम अलैहि सलाम पास पहुँचा, मुख्तलिफ अम्बिया इकराम आते रहे। इब्राहिम सलाम जब आए तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहि सलाम को जो है जो मर्तबा दिया, जो मकाम दिया, बख्शा अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहि सलाम को, उनकी कुर्बानियों की वजह से, उनकी इबादत गुजारी की वजह से और अल्लाह के महबूब होने की वजह से, उनको जो मर्तबा अल्लाह ताला ने अता इनायत फरमाया वो ये था कि जो है नबी करीम सल्लम के बाद पैगंबरों में दूसरा दर्जा आदम अलैहि सलाम का भी नहीं, दूसरे किसी और पैगंबर का भी नहीं, बल्कि नबी सल्लम का, इब्राहिम अलैहि सलाम का दूसरा दर्जा है। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उसवा
नमूना मॉडल की हैसियत से तमाम अंबिया इकराम में दो ही नबियों को पैदा बताया बयान किया अल्लाह ताला ने, एक तो नबी अलैहिस्सलाम को लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसनतुन, तुम्हारे लिए नबी अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन नमूना है, उसवा है, मॉडल है। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी उसवा के तौर पर पैदा किया, उसवा इब्राहिम अलैहिस्सलाम में भी उसवा है, नमूना है, दो ही को नमूने के तौर पर हमारे सामने पेश किया, मॉडल के तौर पर पेश किया, क्योंकि दोनों की ज़िंदगी ऐसी है। तो अल्लाह ताला के बाद सबसे बुजुर्ग, सबसे ज़्यादा फजीलत रखने वाले नबी अकरम सल्लम, नबी अकरम सल्लम के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत रखने वाले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दुनिया में भी और आखिरत में भी, दुनिया में भी आखिरत में भी। चुनाचे आँ सल बता चुका हूँ मैं, आँ सल्लम मेराज को जो तशरीफ़ ले गए मेराज के वक्त पर, हर आसमान पर एक एक नबी को अल्लाह ताला ने आपके इस्तकबाल को ठहरा दिया था, सल्लम का इस्तकबाल करने के लिए, पहले दूसरे तीसरे सातवां आसमान जो आखिरी आसमान है, तो वहाँ जब पहुँचे नबी सल्लम मेराज के मौके पर, तो आपने वहाँ देखा कि एक जो है बहुत बड़ा महल है और महल के पास एक बुज़ुर्ग टेक लगाए हुए बैठे हुए हैं। जिब्रील सलाम ने पूछा कि कौन है, तो कहा कि आपके बाप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो गया सबसे ऊंचा मुकाम आसमान में जो है सातवां आसमान, और वहाँ जो महल था उस महल का नाम बैतुल मामूर, वहाँ का क़िबला, आसमानों का काबा, ये क़िबला बनने से पहले हमारा दुनिया का वो क़िबला बन गया पहले, चूँकि यहाँ क़िबला बनाए आदम अलैहिस्सलाम, मेमारे काबा क़िबले की तामीर किए, तो क़िबले की तामीर करने की वजह से उनको अल्लाह ताला ने वो दर्जा अता फरमाया कि आसमानों पर उनको जो मकाम मिलेगा वहाँ का काबा, वहाँ के काबे के पास हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जगह अल्लाह ताला इनायत फरमाएगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे की जब तामीर कर रहे थे, तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि रब्बना वबस फीहिम रसूलन, ए परवरदिगार, रसूलन की पैदाइश से 2500 पहले दुआ कर रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, किसके लिए, रसूल सल्लम के लिए, रब्बना वबस फीहिम रसूलन, ए परवरदिगार तो आप जो है आखिरी उम्मत में जब आएगी आखिरी उम्मत, तो उस उम्मत में एक पैगंबर को आप पैदा कीजिए, वबस फीहिम, तो क्या कर, और यतलु अलैहिम आयाती का, जो तेरी आयतों को पढ़कर सुनाए, यतुल मायाती का वो युअलिमुल किताब वल हिकमा, और किताब और हिकमत उनको सुनाए, वो युज़क्कीहिम और उनको पाकीज़ा करे, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तो ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। तो हर नबी को ये ताकीद थी अल्लाह ताला की, हर पैगंबर को आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक ये ताकीद थी हर नबी और पैगंबर को कि तुम जो है आखिरी नबी जो आने वाले हैं उनके बारे में अपनी उम्मत को खुशखबरी दे दो, बता दो एक आखिरी भी आने वाले मबूस होने वाले। चुनाचे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2500 साल कबल 2000 पहले रसूल सल्लम के दुआ करते हैं, और 2500 साल के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी बनकर आते हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुसूसियत ये भी है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पहले मुख्तलिफ़ कौमों में पैगंबर काम आए, पैगंबर आए, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मबूस हुए, पैगंबर बनाया गया अल्लाह ताला ने, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद रसूल सल्लम तक जितने अम्बिया आए, जितने पैगंबर आए, सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम, एक इसहाक़ अलैहिस्सलाम, तो इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो है को पैगंबर बनाया अल्लाह ताला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर, इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैगंबर, उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम पैगंबर, उनके बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पैगंबर, चार पुश्त किसी ख़ानदान में नहीं, पैगंबरों के किसी ख़ानदान में नहीं, ये दर्जा ये मर्तबा जो है। दाऊद अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम दो पैगंबर, मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम दो पैगंबर जो है,
सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, दो पैगंबर, दो दो, लेकिन चार पैगंबर जो हुए ही इब्राहिम सलाम के खानदान में। इब्राहिम सलाम पैगंबर, ईसा सलाम बेटे पैगंबर, याकूब सलाम पोते पैगंबर, यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर, फिर यूसुफ सलाम के कई दिनों बाद फिर अम्बिया इकराम आए, यूसुफ पैगंबर आए। गरज जितने अम्बिया इकराम आए इब्राहिम सलाम की औलाद में, एक तो ईसा अलैहिस्सलाम से, फिर ईसा सलाम से लेकर याकूब सलाम जो बेटे पैगंबर थे, तो उस ख़ानदान के जो आखिरी पैगंबर आए वो ईसा अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। पहले पैगंबर इब्राहिम, इसहाक, और आखिरी पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम। नबी अकरम और जो पैदा हुए आप पैगंबर बने आप, वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में, उस इब्राहिम सलाम के जो बेटे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में जो है, इस्माइल अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल सल्लम तक दरमियान में कोई नबी नहीं, कोई पैगंबर नहीं जो है। तो रसूल सल्लम जो है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम पहले पैगंबर इब्राहिम सलाम के बेटे, और उस खान इब्राहिम सलाम के ख़ानदान में आखिरी पैगंबर रसूल सल्लम, दरमियान में कोई नबी नहीं, कोई पैगंबर नहीं। गोया अल्लाह ताला ये बताना चाहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम की औलाद में जो हज़ारों पैगंबर आए ईसा अलैहिस्सलाम तक, उनके मुकाबले में जो है सिर्फ एक पैगंबर सबसे बढ़ गए, रसूल सल्लम ईसा अलैहिस्सलाम, जो इस्माइल साहब के ख़ानदान बीच में जो नहीं लाए अल्लाह ताला किसी पैगंबर को, वो ये बताने के लिए कि उनके सारे पैगंबरों से बढ़कर इस्माइल सलाम के एक बेटे मोहम्मद सल्लम रसूल सल्लम। तो इस तरह जो है वो आज़ो सल्लम को अल्लाह ताला ने मबूस नुमाया। तो इसी को जो है हादी ने कहा है कि नवीद मसीहा, दुआए खलीलो नवीद मसीहा, नवीद रसूल सल्लम के बारे में कहते हैं वो, दुआए खलीलो नवीद मसीहा, खलील अलैहिस्सलाम की दुआ और ईसा अलैहिस्सलाम की जो है खुशखबरी। ईसा अलैहिस्सलाम इब्राहिम सलाम ने दुआ भी की और ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है खुशखबरी दी। सूरह सफ़ में आता है ईसा अलैहिस्सलाम के फरमाते हैं कि मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मैं आया हूँ आपके पैगंबर कर बनकर आया हूँ बनी इसराइल का, और मैं खुशखबरी लाया हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं बे रसूली यासी बिन बादी, एक रसूल की खुशखबरी लाया हूँ मैं। ईसा सलाम कह रही सूरह सफ़ में मौजूद है वो, एक रसूल की खुशखबरी देने के लिए आया हूँ जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम अहमद है। रसूल सलाम के नाम जो है कई नाम हैं मगर मशहूर नाम दो, एक मोहम्मद सल्लम एक अहमद, ये दोनों जो है रसूल सलाम के नाम हैं। दोनों कुरान मजीद के अंदर वो दो नाम ही मौजूद हैं। तो इस तरह आखिरी उम्मत, ये उम्मत आम सल्लम की, और आखिरी नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो नबी सल्लम से पहले जो है मामला, आपके रसूल सल्लम का मामला ये भी था कि जब पैदा हुए आम सल्लम तो यतीम पैदा हुए। आम सल्लम अभी जो है वो रसूल सल्लम रहमे मादर ही में थे, हमल ही में थे, आमिना के जो है हज़रत अब्दुल्ला जो आपके वालिद थे इंतकाल हो गया वालिद का। तो आम तौर पर हम यतीम उन लोगों को कहते हैं कि जिनके बच्चे पैदा होने के बाद बाप का इंतकाल हो जाता है, तो उनको यतीम कहते हैं। लेकिन रसूल सल्लम ऐसे यतीम के पैदा होने भी नहीं पाए, बाप का इंतकाल हो गया, जो भी हमल ही था पैदा नहीं हुए थे, बाप अब्दुल्ला जो थे उनका इंतकाल हो गया जो है वो, इस तरह के यतीम। फिर पैदा होने के बाद नबी सल्लम कुछ ही साल में आमिना का भी इंतकाल हो गया माँ का, फिर दादा का भी इंतकाल हो गया अब्दुल मुत्तलिब का, फिर चचा परवरिश की आपकी पालते रहे आखिर वक्त तक, वही रहे चचा ही रहे हज़रत अबू धारी पालते रहे। तो रसूल सल्लम के वालिद अब्दुल्ला जो थे उनके साथ एक अजीब व गरीब वाक़ पेश आया
کو ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. اس سے رسول وسلم کی عظمت, رسول وسلم کی بڑائی, رسول وسلم کی بزرگی ظاہر ہوتی ہے. وہ یہ کہ عبد المطلب جو دادا تھے آپ کے, تو وہ جب جو ہے عبد المطلب پیدا ہوئے, پیدا عبد المطلب ہوئے ان کے خاندان میں, تو ہوا یہ کہ جو ہے طوفان نو جو آیا ہوا تھا, اس نو کی وجہ سے زمزم کما تو انو کا نہیں بلکہ مختلف جو حالات جو پیدا ہوئے تھے اس کی وجہ سے جو ہے زمزم کا کنواں گم ہو گیا تھا, غائب ہو گیا تھا زمزم کا کنواں, پتہ نہیں چل رہا تھا عبد المطلب کو. ارے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو عبد المطلب تھے, وہ جب جوان ہوئے اور دیکھے جا کر زمزم کو, تو زمزم نہیں ہے, زمزم غائب ہو گیا, تو کہیں پریشان ہو گئے. پریشان ہونے کے بعد جو ہے انہوں نے ایک نظر مانی, ایک نیت کی عبد المطلب نے, دادا نے کیا نیت کی کہ اللہ تعالیٰ اگر زمزم مل گیا, زمزم دلچسپ ہو گیا, جگم ہو گیا ہے, وہ مل گیا, تو ان کے جو ہے دس بیٹے تھے, دس بارہ بیٹے تھے, تو میں میرے ایک بیٹے کو تیرے راستے میں قربان کر دوں گا, اللہ کے راستے میں. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک مشابہت, مناسبت, ایک تعلق جو بتا رہا ہوں میں. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نیت کر لیے, نظر مان لیے کہ زمزم کا کنواں مل گیا تو میں میرے ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دیتا ہوں, یہ نظر مان لیے. مان لینے کے بعد بھی تلاش کرتے رہے زمزم کے کنویں کو, مل گیا زمزم کا کنواں, مل گیا. تو زمزم ملنے کے بعد ٹھیک ٹھاک کر دیے, اسے پاک صاف کر دیے, یہ لگا دیے, اسے تمام بھی کر دینے کے بعد زمزم کو اب معاملہ آیا بیٹے کو ذبح کرنے کا. وہی معاملہ بالکل ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ, تاریخ اپنے آپ کو دوہراتی ہے, بولتے ہیں 2000-2500 کے بعد. تو وہ جو ہے نظر مان لیے تھے, وعدہ کر لیے تھے کہ میں میرے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دوں گا. اب دس بیٹے ان کے, دس بیٹوں میں سے کون سے بیٹے کو ذبح کرنا, یہ مسئلہ, یہ سوال جو ہے. اسماعیل علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ تو یہ تھا کہ اللہ نے خود بتا دیا اسماعیل کو ذبح کرو بول کر, اور یہاں جو ہے باپ عبد المطلب رسول کے دادا وہ نظر مانتے ہی, وہ ارادہ کرتے ہی کہ میں بیٹے کو قربان کر دوں گا اللہ کے راستے میں, ذبح کر دوں گا. اب دس بیٹے, اب کون سے بیٹے کو ذبح کرنا, کیا کرنا, اس کے لیے معاملہ ہوا, طے کیا گیا, خورا ڈالا گیا. جب کبھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں خورا ڈالتے ہیں, دس بیٹوں میں خورا ڈالا گیا الگ الگ, اور یہ طے کیا گیا, دس بیٹے بھی تیار ہو گئے اس بات کے لیے, تیار ہو گئے کہ ہمیں سے جس کا بھی نام نکلے گا جو ہے ہم قربان ہونے کے تیار ہیں. اسماعیل جیسے تیار ہو گئے, پورے دس بیٹے ہی بولے باپ کو عبد المطلب کو کہ آپ خورا ڈالی ہے, تو خورا ڈالنے کے بعد ہمیں سے جس کا بھی نام نکل جائے گا خورے میں تو ہم جو ہے تیار قربان ہونے کے تیار ہو جائیں گے, آپ قربان کر دیجئے, ذبح کر دیجئے, ہم کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دیجئے, تیار. چنانچہ خورا ڈالا گیا, خورا ڈالا گیا تو جو ہے درمیان کے بیٹے تھے عبداللہ رسول کے والد جو ہے, تو ان کا نام نکل گیا, عبداللہ کا نام نکل گیا, تو تیار ہو گئے عبداللہ, ٹھیک ہے مجھے ذبح کر دیجیے. تو اس کا پھر یہ ہوا, سب نے مل کر پھر طے کیا کہ عام طور پر خورا تین مرتبہ ڈالا جاتا ہے, اور ایک بار خورا ڈالیں, دوسری بار خورا ڈالا گیا تب بھی عبداللہ کا نام نکل گیا, تیسری بار خورا ڈالا گیا اور تیسری بار بھی عبداللہ کا نام نکل گیا, تو عبد المطلب ذبح کرنے تیار ہو گئے, عبداللہ ذبح ہونے کے تیار ہو گئے, جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حمل میں ہی, آن سلم جو ہے پیدا ہونے والے, پیدا نہیں ہوئے آن سلم, خورا نکل گیا.
उसके बाद एक बुज़ुर्ग ने तीन बार निकल जाने के बावजूद यह मशवरा दिया कि जो है अब्दुल मुत्तलिब को उन्होंने ये कहा कि आप जो है ऐसा कीजिए, तीन मतलब अब्दुल्ला का नाम निकला, अल्लाह अब्दुल्ला ही को चाहते हैं, कुरान करना चाहते हैं, लेकिन एक और काम कीजिए आप। तो क्या पूछा, कहा कि एक तरफ 10 ऊंट को रखिए और एक तरफ अब्दुल्ला को फुफड़ा डालिए, तो चुनाचे एक तरफ 10 ऊंट और एक तरफ अब्दुल्ला, दोनों के दरमियान खुड़ा डाला, अब्दुल्ला का नाम, 10 ऊंट बढ़ाए गए 20 ऊंट, अब्दुल्ला का नाम, 90 ऊंट, अब्दुल्ला का नाम, 100 ऊंट, ये लोग रहे तो ऊंटों के नाम कुरान निकले, ऊंटों के नाम कुरान निकल गया। तो इस तरह अल्लाह ताला इस्माइल अलैहिस्सलाम को जैसे बचाया कुर्बान होने से हुक्म देकर, अब्दुल्ला को भी, सल्लम के वारिद को भी कुर्बानी का हाल मामला पैदा करने के बावजूद उनको भी अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत किया, उनको बचा लिया। तो चुनाचे 100 ऊंट ज़िबह कर दिए गए। तो फिर उसके बाद वो 100 ऊंट जो है एक ज़ाबिता बन गया, एक कानून बन गया। कानून इस तरह बन गया कि अगर कोई आदमी किसी आदमी को कत्ल कर देता है, गलती से कत्ल कर देता है, तो मक्तूल के लोग अगर राज़ी हो जाएं, उसके रिश्तेदार, तो जो है 100 ऊंट या 100 ऊंट की कीमत दे दी जाए तो वो ये हो जाता है, माफ़ हो जाता है वो। तो 100 ऊंट का इस तरीके से मामला तय किया गया। तो इस तरह नबी अकरम सल्लम की वालिद की अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई, चूँकि उनके ज़रिए नबी अकरम सल्लम जो आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर थे, वो पैदा होने वाले थे। चुनाचे रसूल सल्लम ये कहते हैं एक हदीस में, अना इब्नु ज़बीहैन, मैं दो ज़बह होने वालों का बेटा हूँ, मैं एक हदीस में रसूल सल्लम, मैं दो ज़बह होने वालों का बेटा हूँ, जिनको ज़बह होते होते अल्लाह ने बचा लिया उनका बेटा हूँ मैं, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम, दूसरे हजरत अब्दुल्ला जो आपके वालिद थे, रसूल सल्लम के वालिद थे। तो बहरहाल रसूल सल्लम के वालिद का इंतकाल हो गया, आन सल्लम की विलादत हुई, पैदा हुए रसूल सल्लम, दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत ज़्यादा खुश हुए, बैतुल्लाह को ले गए, वहाँ जाकर दुआ की उनके लिए, आन सल्लम के लिए, और मोहम्मद नाम रखा, आन सल्लम का नाम रखने के बाद, फिर अरब का दस्तूर ये था कि जो है, मैं बहुत पीछे से आ रहा हूँ, अब जो जिक्र कर रहा हूँ आन सल्लम की सीरत के ताल्लुक से, तो सीरत का मामला, तो जो है उस वक्त दस्तूर ये था अरब में कि जब भी बच्चे पैदा होते तो माँ चंद दिन तक दूध पिलाती, और उसके बाद वो जंगलों से जो है कुछ औरतें आती, आने के बाद जो है उनके हवाले बच्चा कर दिया जाता, बच्चे को ले जाती, ले जाकर दो ढाई साल जितने भी मुद्दत होती वहाँ बच्चे को रखकर परवरिश करती, उसका माँ वादा दे दिया जाता, फिर ला कर जो है माँ बाप के हवाले कर देती। अरब का रिवाज था उस वक्त पर, रसूल जब पैदा हुए उस वक्त पर, तो जिस वक्त रसूल पैदा हुए उस वक्त पर जंगलों से काफ़ी औरतें आई, आई मक्के को पहुँची, मक्के में कई बच्चे पैदा हो गए थे मालदारों के घरों में, और रसूल सल्लम का ख़ानदान गरीब ख़ानदान था उस वक्त, हज़रत अमीना का मौला गरीब ख़ानदान था। तो जो है वो कोई भी आते ये रसूल सल्लम को देखते, कहते भैया गरीब ख़ानदान है, इनसे क्या मिलेगा हमको, छोड़ के चले आते, लेते नहीं थे। मालदारों के घरों को जाते दौलतमंदों के, ये सोच कर कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमको मिलेगा, तो ये ख्याल करके वो लोग जो है उन बच्चों को लेकर चले जाते थे। उसी दिन जो है बनु तय यह कबीला था, यह ख़ानदान था बनु तय बोलकर, तो वो ख़ानदान के लोग भी आए मक्के को पहुँचे। तो बनु ख़ानदान के लोग जो मक्के में पहुँचे, एक औरत और माँ और बाप दोनों आए, माँ का नाम हलीमा, हलीमा उनके शौहर दोनों,
उनकी ऊँटनी बहुत ही दुबली पतली कमज़ोर थी। काफिले के साथ निकले सब, तमाम लोग आगे पहुंच गए, सब जाकर मालदारों के बच्चों को ले लिए, लेकर वापस भी होने लगे। इनकी ऊँटनी कमज़ोर थी, दाई हलीमा की ऊँटनी। इन्हें सबसे आखिर में पहुँचे मक्के को, दाई हलीमा उनके शौहर आखिर में पहुँचे। तो जितने दौलतमंदों के बच्चे थे सब लेकर चले गए तमाम। अभी लोग देखे कोई बच्चा नज़र नहीं आ रहा है, तो लोगों को मालूम हुआ, बताया गया कि भाई आमिना अब्दुल्ला के घर में अब्दुल मुत्तलिब का पोता जो है पैदा हुआ है, तो एक मौजूद है, वो वहाँ जाकर देखो तुम लोग। वहाँ गए जाकर देखे तो रसूल सल्लम को देखा उन्होंने, अली मान उनके शौहर ने। देखते ही देखा मालूम हुआ चेहरे पे नूर, बच्चे के ऊपर कशिश, चेहरे के अंदर जाजिबियत जगमगा रहा है, पूरा घर जगमगा रहा है उस बच्चे की रोशनी से जो भी पैदा हुआ है, चंदी दिन में पैदा होकर। तो दोनों ने मिलकर तय किया, हलीमा और भाई और तो कोई बच्चा नहीं मिला, चलो कम से कम इस बच्चे को भी लेके चले जाएंगे, जो भी मिल जाएगा कोई बात नहीं, तो कफात कर लेंगे। खाली हाथ जाने से पहले ये गए बेहतर है कि बच्चे को लेकर चले जाएंगे हम, तो ले लिए रसूल सल्लम को ले लिए, लेकर जाने लगे। तो आहमद सल्लम को अल्लाह ताला ने बचपन ही से उनके अंदर जो चीज़ें रखी थी अल्लाह ताला ने, अभी पैगंबर नहीं बने हैं, पैगंबर छोटा छोटे ही बच्चे ही नबी सल्लम, लेकिन उनके अंदर अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से मालूम हो गया जो बातें, जो खूबियाँ, जो फजाइल, जो कमालात, मौजूदा तो नहीं बोल सकते उसे, जो कमालात रखे थे वो ये थे कि जैसे ही रसूल सल्लम को लेकर जो है हलीमा और उनके शौहर ऊँटी पर बैठे, दुबली पतली ऊँटी पर जो बैठे, तो बैठने के साथ ही जो ऊँटनी तय से आते हुए चल नहीं रही थी, वो बिल्कुल थक गई थी, बैठ जाती थी थोड़ी थोड़ी देर में, वो देखते ही देखते रसूल सल्लम के बिठाने के साथ ही ऐसे मालूम हुआ कि दुबली ऊँटी मोटी हो गई, ताकतवर हो गई है, दौड़ रही, भाग रही है, निकल के भाग रही है। ये खैर बरकत पैदा होने के साथ ही उस बच्चे की खैर बरकत जो उनमें रखा था अल्लाह ताला ने, ऊँटनी तेज़ी के साथ जाने लगी, इतनी तेज़ी के साथ जाने लगी कि इनसे पहले जो लोग गए थे निकले थे वो लोग सब पीछे रह गए, और ये लोग आगे बढ़ गए, उनसे आगे बढ़ गए, और सब हैरान। भाई ऐसी बात है कि जिस बच्चे को हम छोड़कर आए, उस बच्चे को ले आई हलीमा, और उसकी ऊँटनी दौड़ रही है, भाग रही है, निकल के जा रही है उनकी ऊँटनी। फिर गए, पहुँच गए, पहुँचने के बाद ऊँटनी में जो है दूध नहीं था, दूध आ दूध पैदा हो गया, दूध आ गया, दूध सिर्फ एक घर के लोग और लोग भी दूध लोग पीने लग गए तमाम। हलीमा के बच्चे भी थे, एक बच्चा भी था, ये बच्चा भी था। तो आम तो हजी हलीमा जो दूध पिलाती थी, तो तब आता है तारीख़ में आता है कि नबी अकरम सल्लम अदल इंसाफ का मुजाहरा बचपन ही से आप सब ने शुरू कर दिया। तो एक तरफ का दूध पीते थे और दूसरी तरफ का दूध नहीं पीते थे, ताकि उनका जो और बच्चा है वो दूध पीने लग जाए। तो अल्लाह ताला ने जो है ये खसूसियात नबी अकरम सल्लम को अता की पैदा होने के साथ ही। खैर गए वहाँ, जितने साल रहना था रहे, और चार पाँच साल फिर हलीमा ने लाकर छोड़ दिया। और ये बात मैं आप लोगों को सुनाऊंगा तो आप लोग खुश होंगे, मुझे भी खुशी है कि एक मर्तबा मैं हज के लिए गया, और जाने के बाद मैं मक्का पहुंचा, मक्के से एक काफिला मुझे मिल गया, ताइफ पहुंचा, ताइफ में रहा। उन लोगों से मैंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं जो है बनू तय का जो ख़ानदान है उस ख़ानदान की जगह को देखना चाहता हूँ, और रसूल अल्लाह सल्लम जहाँ रहे, रसूल सल्लम जहाँ ज़िंदगी गुजारे, बचपन जहाँ गुजरा आहुज़ा सल्लम का, उस जगह को भी मैं देखना चाहता हूँ।
ये मैंने ख्वाहिश जाहिर की। 10-12 आदमी थे, सब मिलकर सब बहुत खुश हो गए मेरे कहने पर, तैयार हो गए। काफ़ी दूर का फासला था वो बनो तय के ख़ानदान का, जहाँ सलों का बचपन गुजरा, तो चुनाचे वो लोग मुझे ले गए और ले जाकर आन सलम जहाँ पैदा हुए वो जगह पर, जहाँ खेलते थे रसूलुल्लाह सल्लम, जहाँ परवरिश हुई आन सलम की, वो तमाम मुझे देखने का मौका मिला, देखने की सआदत मुझे हासिल हुई है। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही खुशकिस्मती का मामला है। तो बहरहाल आ हुज़ूर सल्लम जो है वापस आए, आने के साथ ही नबी सल्लम ने देखा बचपन ही में, छोटी ही उम्र है आपकी, कम उम्री है आप सल्लम की, सत्र आपने देखा 10-12 साल की उम्र में कि जो है सारा हाल मक्के का बिगड़ा हुआ है, हर तरह की बुराई, हर तरह की खराबी, हर तरह की गंदगी उस वक्त पर पूरे अरब में, जाहिलियत का ज़माना, पूरे अरब में सब जगह मौजूद है। तो आप सल्लम 5-6 साल के थे, आप सल्लम का मामला, तो 5-6 साल ही की उम्र में नबी सल्लम को खाने काबा की तामीर की ज़रूरत पेश आई। दीवारें कुछ गिर गई थी, उसे ठीक करना था, तामीर करना था उसकी। तो तामीर करने के लिए तमाम लोग जो गए, तो आप सल्लम की उम्र भी 5-6 साल ही की है, तो बच्चे भी चले गए साथ देने के लिए, तो रसूल सल्लम भी चले गए 5-6 साल की उम्र के अंदर। आम सल्लम खाने काबा की तामीर में खुद भी हिस्सा लेने के लिए गए, जाकर छोटे छोटे पत्थर जो थे वो उठाकर दूसरे बच्चों के साथ मिलकर लाकर रसूल सल्लम देते थे उस वक्त। तो छोटे छोटे पत्थर जो लेकर आते आम सल्लम जो कि 5-6 साल की उम्र का मामला बोल रहा हूँ, तो जो है यहाँ रखते रसूल सल्लम रख कर ला कर देते थे। दादा ने देखा, अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, वो भी शरीक थे उसमें, उस बच्चे को जो है 8 साल की उम्र में उनका इंतकाल होता है, सब उनके देखा ज़रा कुछ घसेरा हो गए यहाँ पर, छोटी छोटी इनकी जो लेकर आता था बच्चा लाकर लेकर देता था रसूल सल्लम, तो ज़रा घसेरा हो गए। तो घसेरा होने पर अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा, क्या किया, ऊपर का जो तिरंगा था तहमत लुंगी बांधे थे रसूल सल्लम, रसूल सल्लम की लुंगी निकाल कर जो है यहाँ रख कर बोले, बेटा तुम जो है ये लुंगी के ऊपर रख कर लेकर आओ, घसेरा नहीं होगा। जैसे ही लुंगी पूरी निकाले भी नहीं थे, रसूल सल्लम चीखना चिल्लाना शुरू करे, बेहोश हो गए, मेरी लुंगी मेरी लुंगी मेरी लुंगी पुकारने लग गए, मेरी लुंगी लाओ मेरी लुंगी लाओ। 5-6 साल का बच्चा, शर्म हया आम सल्लम की, आपके अंदर जो शर्म हया का मादा अल्लाह ने जो रखा था 5-6 साल के बच्चे के अंदर, चीखने से लाने लगे, बेहोश हो गए। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने जो है वो लुंगी बांधी, बांधने के बाद होश में आए रसूल सल्लम, फिर उनको जो है बिठा दिया गया, ये करने नहीं दिया गया। तो ये बचपन से आम सल्लम का मामला था। फिर ये हुआ कि एक और मर्तबा कुछ दिनों के बाद जब जवान हो गए आप सल्लम, जवान होने के बाद फिर खाने काबा की तामीर का मामला ज़रूरत पेश आई। नबी बनने से पहले का हाल बता रहा हूँ मैं, अभी नबूवत पर नहीं आया हूँ मैं जो है। तो वो खाने काबा की तामीर करने लगे, असल में शरीक हुए, सब मिलकर तामीर किए, खाने काबा मुकम्मल हो गया, तामीर हो गई। अब मामला ये था, हजरत अस्वद को किसी दूसरी जगह उठाकर रखा गया था, जहाँ रहता है अब भाई, इस वक्त जहाँ मौजूद है हमेशा रहता था, वहाँ से दूर उठाकर रखा गया था खाने काबे की तामीर के लिए। वो सामने का जो हिस्सा है तो उसे ठीक करने के लिए वो पत्थर खाने काबा का वहाँ रखा गया था। तो अब जो है हुआ ये कि जो है कि वो खाने काबा का हजरत अस्वद लाकर रखने के लिए बहुत से जो कबाइल थे, हर कबीला ये बोलने लग गया कि एक पत्थर हजरत अस्वद जो है हमारा कबीला लाकर रखेगा, दूसरा कबीला बोलता था नहीं हमारा कबीला लाकर रखेगा, दूसरा कबीला ये बोलने लग गया हमारा कबीला लाकर रखेगा। तो इतना मामला हुआ कि जंग की नौबत आ गई, लड़ाई आ गई,
रसूल मौजूद नहीं उस वक्त, रसूल मौजूद नहीं घर में, रसूल रसूल चले गए, आपस में झगड़ा जो हो रहा था। फिर उसके बाद जो है, फिर एक बुज़ुर्ग ने ये तय किया, भाई मामूली सी बात है, हजरत रसूल रखने का मामला है, तो इसके लिए क्यों आप लोग झगड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, मेरा एक मशवरा है वो सुन लो, उसके मुताबिक करो, लड़ाई की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। तो उन्होंने कहा कि क्या मामला, तो कहने लगे कि वो मामला ये है कि कल सुबह में सबसे पहले खाने काबा में जो साहब आएंगे जो है, तो उनके ज़रिए हम कर लेंगे ये काम, वो जो फैसला करेंगे उस फैसले को मान लेंगे हम लोग। रसूल मौजूद नहीं घर में, रसूल सलम उस वक्त इतला नहीं, रसूल सलम कुछ की कुछ भी मालूम नहीं, रसूल सलम को सब लोग बोले ठीक है, अपने अपने घरों को चले गए। तमाम घरों को चले जाने के बाद जो है, अब दूसरे दिन सबसे पहले खाने कावा में दाखिल होने वाले रसूल सलम, नौजवान नबी नहीं बने अभी, नबूवत से पहले का मामला, सबसे पहले आम सलम आए, लोगों ने देखा, देखकर कहा कि अमीन और सादिक आ गए, नबूवत से पहले आपका लक़ब अमीन और सादिक, अमीन और सादिक आपका लक़ब था, अमीन और सादिक आ गए, अब हम इनके फैसले पर अमल करेंगे, ये जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, ये उठा कर रखना तो उनको ही रखने दे लेंगे, हमको ज़रूरत नहीं ये करने की, उनको ही बोल देंगे रख लो बोल कर। तो सल्लम अदल व इंसाफ अमन व सलामती के पैगंबर बनने वाले थे, बाद में चलकर जो है उसी की चीज़ें जाहिर हो रही होने लगी थी। रसूल ने कहा कि एक बहुत ही मोटी चादर लेकर आओ, मोटी चादर कंबल जैसे होती है जो है, थैले जैसे होते ही मोटा थैला जो एक लेकर आओ कर ले। तो लोग गए जाकर एक मोटा बड़ा थैला, मोटा सा मजबूत थैला वो लेकर आए लोग। तो उन्होंने फरमाया खाने काबा के सामने जो है, मैं उस पर रख डालो, थैला बिछा डालो, यहाँ पर थैला बिछा दिया गया। थैला बिछा देने के बाद आला सल्लम ने ये कहा कि अब जो है तुम लोग सब पत्थर उठा कर वो थैले पे रख डालो। थैले पे पत्थर रख दिया गया, सलम भी साथ दिए। रखने के बाद हर कबीले के सरदार को बुलाए, बुलाकर बोले कि जो है जितने सरदार मौजूद हैं यहाँ पर सब के सब जो है थैले को पकड़ो, सब थैले को पकड़े सरदार, तमाम सरदार रसूलम भी पकड़े, लेकर आए जहाँ खाने का बात था, दूसरों को साथ लेकर उसकी मदद से, उन सब की मदद से जहाँ इस वक्त पर हजरत अस्वद मौजूद है, हजरत अस्वद उस जगह पर रख दिया गया। तो यूँ मामला जो है ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद नबूवत से पहले एक और मामला ये हुआ आम सलम का, कि आपने देखा कि बुराइयाँ फैली हुई हर तरफ हुई, तो जो है एक आपके साथ थे चंद नौजवान थे, जिनका नाम चार पांच नौजवान थे, फजल था, हर एक का नाम फजल नाम था, उनको लिए साथ सलम बोले भाई कि देखो ये हाल है, हर तरफ इतना फसाद, सारे लोग ख़ानदान के दरिंदों की तरह ज़िंदगी गुजार रही, इंसानियत बिल्कुल ही नहीं है, इनको इनको ठीक करना है, हम लोग पैगंबर नहीं बने अभी, अब तो नब्बे से पहले का मामला बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं, तो बोल रहे हैं इन सब को ठीक करना है, हम एक अंजुमन बनाएंगे, एक तंजीम कायम करेंगे हम लोग सब मिलकर। तो चुनाचे कमेटी बनाई गई, एक तंजीम बनाई गई, तंजीम बनाकर चूँकि चार पांच आदमियों का नाम भी फजल था, तो फजल जो हमारा फजूल आती है, इसलिए सब ने उसका नाम हिलफुल फजूल रखा, कमेटी का नाम हिलफुल फजूल, हिलफुल फजूल के मेंबर आम सलम भी और तमाम लोग भी सब मिलकर मेंबर बन गए, हिलफुल फजूल के मेंबर बन गए, बनकर सब ने मिलकर तय किया कि हमको हमारी कौम की इस्लाह करना है, उनको ठीक करना है। चुनाचे ये कमेटी के मेंबर जो है इस्लाह का काम, सलम की उम्र जो है 20-22 साल की कुछ उम्र है उस वक्त, अभी ये काम उन लोगों ने शुरू किया, और इस्लाह करने के बाद ही, इस्लाह तो हुई
लेकिन जैसी कुछ होनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं हुई। इतने में रसूल की शादी हो गई हज़रत ख़दीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, मक्के की मालदार दौलतमंद खातून ख़दीजा कुबरा कुबरा 25 साल की उम्र थी, सल्लम की रिश्ता ढूंढ रहे थे जो है अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे उस वक्त पर, तो मुनासिब रिश्ता जो है तय नहीं किया जा रहा था अभी। तो हज़रत ख़दीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के की मालदार खातून, मालदार तो दौलतमंद, सबसे बड़ी दौलतमंद, तिजारत और कारोबार वो करती थी। तो उनको जब मालूम हुआ कि रसूल सल्लम बहुत अमानतदार हैं, दयानतदार हैं, कारोबार करने वाले हैं, तो उन्होंने कहला भेजा रसूल सल्लम को कि आप जो है मेरा माल लेकर मक्के के बाहर के लोगों को, मेरे कारिंदे ही मेरे लोग हैं जो उनके साथ हैं, आप भी जाइए, जो कुछ नफ़ा होगा मुनाफा होगा वो मैं आपको दूंगी, ये कहला भेजिए। तो चुनाचा वसलम तैयार हो गए, बेकार थे वसलम, कोई माश की ज़रूरत भी थी आपको, तो इसलिए तैयार हो गए और खदीजा का माल लेकर जाने लगे। तो जो है जाकर वो जो भी माल होता पूरी दयानतदारी के साथ एक एक पाई का हिसाब लाकर उनको दे देते थे और कुछ मुनाफा हज़रत ख़दीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे दिया करती थी। ये मामला तिजारत का होया, रसूल ने शुरू किया। अच्छा, तिजारत करने से पहले एक ज़रिए माश था, हम सलम को भी सुन लीजिए जवानी में, वो ये था कि अबू तालिब के कई बच्चे थे हज़रत अबू तालिब के, और रसूल को वही पाल रहे थे, भतीजे को भी वही परवरिश कर रहे थे, अबू तालिब परवरिश कर रहे थे। तो अबू तालिब के कई बच्चे थे, जो भी खाना पकता पहले रसूल को खिलाते, उसका दूसरों के ये करते अपने बच्चों को, इस तरह उनकी परवरिश कर रहे थे रसूल। रसूल सल्लम ने कहा चचा से कि जो है मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ, इसलिए जो है मुझे मौका दीजिए, इजाज़त दीजिए, नहीं ज़रूरत नहीं कुछ भी करने की, आपको जो है मेरे दूसरे बच्चे कर रहे हैं, आप आराम से रहिए, नहीं नहीं मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मुझे मौका दीजिए। चुनाचे आम सल्लम ने जो है मक्के वालों की बकरियाँ लेकर मक्के के बाहर जो है शादी से पहले जाकर बकरियाँ चराने लगे, उजरत मिल जाती थी, लाकर चचा को देते, बोलते कि मेरा खाना भी खाने के लिए भी ये मैं दे रहा हूँ, करो, मैं मुफ्त में फ्री में खाना नहीं चाहता था, मैं ले लीजिए। कई दिन तक बकरियाँ चराए। वसल्लम फरमाते कि अल्लाह ताला अक्सर पैगंबरों को नबूवत देने से पहले बकरियाँ चराने का मौका दिया, बकरियाँ चराने का मौका दिया, मुझे भी बकरियाँ चराने का मौका मिला नबूवत से पहले। उसकी वजह यह है कि जो है ऊँट और जानवरों को, गायों को, भैंसों को पालने में उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी बकरियों को पालने में तकलीफ होती है। दूसरे जानवर अगर इधर हो गए कुछ हो गए, डंडा चला सकते हैं उन पर, लकड़ी से मार सकते हैं, लेकिन बकरी का मामला यह है कि बकरी बहुत परेशान करने वाला जानवर, और मार भी नहीं सकते उसे, मारे तो ख़त्म भी हो जाती है वो, तो इस तरह का मामला। तो बकरियों का बकरियां चराने का मौका दूसरे अम्बिया को भी दिया, मूसा भी अलैहि सलाम बकरियां चराए, रसूल अल्लाह सलाम भी कोई जो बकरियां चराने का मौका मिला, कई महीनों तक बकरियां जो है चराते रहे, उसके बाद शादी होने तक बकरियां चराते रहे रसूल सलाम। वो इसलिए अल्लाह ताला ऐसा करते थे कि पैगंबर बनने के बाद नबी को इंसानों को चराना है, इंसानों की हिदायत करना है, इंसानों में भी हर किस्म के लोग आगे होते हैं, उसके लिए इंतहाई सब्र और बर्दाश्त की ज़रूरत है, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसकी मश्क के लिए अल्लाह ताला इंतजाम करते हैं नबी के लिए बकरियां चराने का। तो पहले बकरियां चराए, फिर खुद रज़ियल्लाहु ताला की जो है का कारोबार, उनकी तिजारत का माल वो ले गए, लाकर देते रहे। तो वो लोग उनका रसूल की जो दयानतदारी थी वो आकर बताते थे, उनके लोग साथ जो जाते थे, बाज़ औक़ात ऐसा होता था वो बोलते थे कि तेज़ धूप होती थी, रसूल सल्लम जा रहे होते थे अबर बादल आम सलम के ऊपर, कभी नहीं बने अभी, शादी नहीं हुई अभी, ऊपर बादल, बादल का साया, सब कुछ सबके लिए साया, अबर का साया, वो आते वही बोलते वो, और रास्ते में जो 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 कुछ जाने में रसूल सल्लम की जो खूबियाँ और जो उनकी खिदमत और उनके जो कुछ नेकियाँ
भला यहाँ उनके देखते सब आकर बोलते इनसे खुदेजा से, तो इसका नतीजा ये हुआ कि खुदेजा के दिल में अल्लाह ताला ने ये बात डाल दी कि तुम्हारे लिए इनसे बेहतर कोई खाविन शोहर नहीं बन सकता। जबकि उस वक्त उससे पहले खुदेजा की जो है दो शादियाँ हो चुकी थी, दो शोहर उनके इंतकाल कर गए थे, दो शोहरों से बेवा थी। और मक्के से बड़े मालदार का प्याम आता, तीसरा प्याम कि हम तुमसे शादी करना चाहती तो अब नहीं करूँगी मैं, दो हो गए, दो शोहर हो गए, अब मुझे ज़रूरत नहीं, ज़िंदगी भर वैसे ही गुजारूँगी मैं। जैसे कि रसूल की खिस्मत में थी वो, तो सर उनके देखा तो जो उन्होंने एक मेहमान बोलकर इससे के ज़रिए उन्होंने अबू तालिब पास कहला भेजा कि भाई आपके भतीजे मोहम्मद से ब्याह कर लेना चाहती हूँ, निकाह कर लेना चाहती हूँ, बत्तीस साल निकाह। तो चुनाचे जो है वो तैयार मंजूरी हो गई, मिल जाने के बाद शादी हो गई, मालदार थे। तो शादी होने के बाद आओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अब कोई काम करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको दौलत मौजूद थी हज़रत खदीजा की। तो उसके नतीजे में आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये किया, वहाँ रहना मुश्किल था आपके लिए, मक्के में गारेरा चले गए, गारेरा में जाकर बैठे रह गए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर रात दिन अल्लाह ताला की याद में, रात दिन इस फिक्र में कि कैसे इस दुनिया की इस्ता में कैसे करूँ क्या करूँ बैठे रहे। 40 साल की जब उम्र हुई तब अल्लाह ताला ने वही भेजी, वही आई, आपको पैगंबर बनाया गया। क्या है वक्त कितने दो मिनट तो हो जा, तो गार तक बस सको उसके।